चलिए देख इसको कंपेयर करते हैं हम 9/10 एंड 11/15 को। तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं दो, वो हैं आपके 10 एंड 15। अब मैंने आपको तरीका क्या बताया था इसका, दूसरा वाला तरीका मैंने बताया था एलसीएम निकालने का, कि दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है आप उसका टेबल पढ़ सकते हैं। तो आप इसका टेबल पढ़ेंगे 15 मतलब 15, 10 के टेबल में 15 नहीं आता है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। एंड 15 2 30, 10 के टेबल में 30 आता है, हाँ बिल्कुल आता है, 10 3 30। तो ये 30 पहला नंबर है जो दोनों में कॉमन आता है, तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं 30। अगेन फटाफट दोनों फ्रैक्शन लिख लेते हैं, 9/10 एंड 11/15, दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेते हैं। कितना सेम करना है, जितना इनका एलसीएम आया है, मीन्स 30। 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 के लिए, 3 से, 10 3 30, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27। 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 के लिए, 2 से, तो 11 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 11 2 20। अब आप देख सकते हैं आपके पास फ्रैक्शन है 27/30 एंड 22/30। डिनोमिनेटर्स को छोड़ दीजिए, न्यूमरेटर्स देखेंगे तो 27 आपका बड़ा है, तो हमने बड़े नंबर की तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। लेकिन अब आपको इनके एक्चुअल फ्रैक्शंस लिखने हैं, तो 9/10 इज ग्रेटर देन 11/15।